खेतलावास में 12 दिवसीय क्रिकेट महासंग्राम सीजन 3 का हुआ समापन। आलवाड़ा की टीम रही विजेता। सायला उपखंड के खेतलावास में खेतलावास नाहरवाड़ा आलवाड़ा क्रिकेट महासंग्राम सीजन 3 12 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी मौजूद रहे। अध्यक्षता खेतलावास सरपंच हजाराम चौधरी ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते जीवाना उप तहसीलदार भरत सोनी, खुमान सिंह खेतलावास व आरपी लुम्बाराम एवं भांडपुर सरपंच प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह पुनावास मौजूद रहे। क्रिकेट महासंग्राम सीजन 3 प्रतियोगिता के समापन में फाइनल मुकाबला सुपर किंग आलवाड़ा बनाम भांडपुर के बीच खेला गया, जिसमें भांडपुर ने 16 ओवरों में 125 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए आलवाड़ा की टीम ने 12.3 ओवरों में 6 विकेट से जीत हासिल की। विजेता टीम को 1,11,000 रुपये नकद चेक दिया गया। वहीं उपविजेता टीम को 51,000 रुपये नकद चेक दिया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 40 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 11 दिन तक कॉमेंट्री शौकत अली खान व देवराज सिंह भाटी बावतरा ने की। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय सरपंच हजाराम चौधरी व प्रतियोगिता संयोजक बहरू सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजयुमो के दशरथ सिंह भाटी, मालम सिंह, गणेशाराम पीओ बावतरा, पाताराम पीओ तिलोड़ा, सुरेश कुमार पीओ खेतलावास, जोहिताराम ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष खेतलावास, भरत सिंह भाटी, प्रेम माली, नांजीराम, केवदाराम चौधरी, विक्रम सिंह नाहरवाड़ा, अरविंद पारंगी व रत्नाराम सहित कई गणमान्य नागरिक व खेल प्रेमी मौजूद रहे। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं किया। विजेता टीम के लिए राशि है 1,11,000 नकद, 1,11,000 रुपए। माल जी रत्ना पासाराम जी सुधा आप पधारे। तो भरत सिंह जी परमार इनके परिवार ने 51,000 रुपए का सहयोग दिया है। बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियां उनके लिए। अगले बामासा जिन्होंने बहुत ही सुंदर सहयोग दिया है, बहुत ही सुंदर अपना पसीना बहाया है यहाँ पे, वो है केवदाराम जी चौधरी, राजश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी खेतलावास। आप यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स है, जितने भी कार्यकर्ता है और जो स्वयंसेवी क्रिकेट क्लब की टीम है, उनकी जर्सी की व्यवस्था आप केवदाराम जी ने की है। तो आपने अपने जेब से 31,000 रुपए खर्च किए हैं और 12 दिन क्या मैं कहूँ 20 दिन से आप इस मैदान में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भरत जी सोनी साहब नायब साहब से कि आप